जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक की तैयारी, जिसमें हम करेंगे आर्टिकल और ये हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। अभी तक जितने भी आर्टिकल से प्रश्न आए हैं उस पर चर्चा करेंगे और आवश्यकता होने पर उसको कम्प्लीट कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। एक दूसरी बात ये है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। उसका फायदा यह होगा जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कल से या फिर आज से ही रात में 8 बजे, ठीक है, रात में आप 8 बजे आपको इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर दोनों की क्लासेस देखने को मिलेंगी। और जो सुबह सुबह जो डेली का डेली 12 बजे वीडियो डलता है वो हिंदी बोलता हूँ मैथ्स, और जो कंप्यूटर का वीडियो है वो 12 बजे वाले मिलेगा। रात में आपको अब 8 बजे है ना, रात में 8 बजे आपको इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर दोनों के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी कंप्लीट होने के बाद, लगभग हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। जब तक हिंदी इंग्लिश खत्म नहीं होगा तब तक हम किसी दूसरे टॉपिक को नहीं उठाएंगे। हमारा लक्ष्य एक ऐसा है कि अब एक टारगेट कंप्लीट करते हुए, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हुए अब हम चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द इन द ब्लैंक्स, इट इज स्पेस ऑनर फॉर मी टू लेड मॉनिटरिंग टीम ऑफ डिफरेंटली एबल्ड यूथ। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या बनाना है, आर्टिकल बनना है। तो आर्टिकल क्या होता है ये जान लीजिए। जो आर्टिकल होता है वो आपके नाउन के लिए आता है, आर्टिकल जो है आपके नाउन के लिए आता है, बिना नाउन के आपको आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ए और एन का जो मेनली जो उपयोग होगा वो केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ देखने को मिलेगा। क्या चीज़ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और ए और एन का उपयोग लगभग लगभग आपको काउंटेबल नाउन के साथ ही, मोस्टली केसेस में काउंटेबल नाउन के साथ ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आप याद रखिए, जब भी कोई वर्ड का स्टार्ट ए या फिर आई से हो तो आंख मूंद के आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। ठीक है, एन लगाना है, याद रखिएगा एन लगाना है। और यदि कोई भी वर्ड वाई और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो आपको आंख मूंद कर ए लगाना है। ठीक है, इतना बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम आपको समय समय में बताते रहेंगे। पहली बात, बहुवचन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल, प्रॉपर में ऐसे लिख दूँ क्या, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का उपयोग नहीं करोगे। प्लूरल के साथ आप आर्टिकल का उपयोग नहीं करोगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का मोस्टली उपयोग नहीं होता, कुछ कुछ केसेस में होता है द के रूप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। कुछ किसी प्रकार के जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे ए, जैसे आपका ईच हो गया, एवरी हो गया, नाइदर हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। ठीक है, इसके बाद या इसके पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद या फिर इसके पहले आपको आर्टिकल्स नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बाकी एक आध प्रश्न में और डिटेल कर लेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर ये होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनर, ऑनर जैसे एसिस्ट, दूसरी बात है ना, दूसरी बात ये हो गया, जो ए का जो आप जो वर्ड लिखोगे आपके कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप ए यूज़ करोगे, और एन का उपयोग जो है वो वॉवल साउंड के साथ करोगे। वॉवल मैंने बोला है, वॉवल साउंड, वॉवल नहीं, ना ही कॉन्सोनेंट, वॉवल साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए और वॉवल साउंड के साथ आपको एन का उपयोग करना है। सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एच है का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस एच का जो साउंड है ऑनर होता है, ऑनर मतलब आ से स्टार्ट हो रहा है, और आ हमारा क्या चीज है, वॉवल्स है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एन, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, इट इज एन ऑनर फॉर मी टू लेड, ठीक है, अ माउंटेनियर, इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड डिवोट मोर अटेंशन टू स्टेक होल्डर। ठीक है, यहाँ आप कहीं लग रहे, देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेक होल्डर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुवचन के साथ हम आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो ए आएगा, ना तो द आएगा, नाइदर आर्टिकल रिक्वायर्ड, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न,
स्पेस मैन डज नॉट लीव बाय द बियर्ड अलोन, ठीक है, चूज एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग टू कम्प्लेक्स द फॉर अबव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या करना है ये देखिए, क्या इस सेंटेंस में हमको एन लगाना है, ए लगाना है या फिर द लगाना है, ठीक है। एनी मैन डज नॉट लीव बाय अ हट, तो ठीक है, इसमें आपका किसी भी प्रकार की आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आर्टिकल की आपको आवश्यकताएं नहीं पड़ती है ना, तो देखिए अगर द मैन लिखते, यदि हम किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में बात, यहाँ तो केवल और केवल मैन लिखा है, यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते तब हम द लगाते, ठीक है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे द का उपयोग नहीं करेंगे। मीटर इज स्पेस यूनिट टू द मेजर लेंथ, जो मीटर आप जो नापते हैं ना स्केल, वो यूनिट है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे लगेगा, मीटर, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल कर दिया है, जो मीटर को हम मीटर को जो हम लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं, यदि स्पेशल के साथ आता है तो इस यूनिट की जगह आपको कई बार लगेगा कि यू है तो आप ए लगा दोगे, ऐसा नहीं है। अब मीटर इज द यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, द यूनिट आ जाएगा, तो ऑप्शन, सॉरी मीटर यूज है ना, तो सॉरी यहाँ पे द नहीं आएगा क्योंकि स्पेशल बात नहीं हुई है, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। अ यूनिट टू मेजर लेंथ, ठीक है, अ यूनिट टू मेजर लेंथ। द कब आता है, जब हम इसकी स्पेशल बात करते हैं, जैसे देखिए स्पेशल कब होता है, क्योंकि मीटर से तो हम लेंथ नापते ही नापते हैं, यदि मीटर से हम कुछ दूसरा काम कराते हैं लेंथ ना नाप के, तब वहाँ पे हम द स्पेशल उपयोग करते हैं। स्पेस मीट यू कुक्ड टेस्ट गुड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मीट बीट मतलब जो मांस है, यू कुक्ड टेस्टेड गुड, मतलब आपने जो मीट बनाया है वो टेस्टेड है, मतलब ये स्पेशल मीट की बात कर रहा है, तब हम यहाँ पे द लगाएंगे। वैसे तो मीट बहुत लोग बनाते हैं है ना, लेकिन उसने स्पेशल बनाया है ना, टेस्टेड है वो, मतलब बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, ये द का उपयोग करेंगे यहाँ पे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, देयर आर मैनी लार्ज शॉप इन स्पेस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन है आपके पास द एन और ए, ठीक है, द एन और ए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नो आर्टिकल, ठीक है, यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। किसी भी स्ट्रीट के साथ हम द का उपयोग, मतलब किसी भी लैंडमार्क के साथ हम द का उपयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी लैंडमार्क के साथ इसमें द का उपयोग नहीं होगा। अगला प्रश्न, यू गेट पेड बाय, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यू गेट पेड बाय एन आर है ना, आर है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एन आना चाहिए, एन आर, पेड बाय एन आर, लेकिन व्यापक में मेरे ख्याल से इसमें सी ले लिया गया है, द ले लिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि द आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एन आएगा, बाकी आप इस पर कमेंट करके बताइएगा। एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक, एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक, ठीक है। देखिए मैंने बताया किसी भी पर्वत के नाम के सामने आपको द का उपयोग करना होता है, ठीक है। अब द का कुछ रूल देख लेते हैं क्या यहीं पे, ताकि आपको दिक्कतें ना हो कि द हम किस में उपयोग करेंगे। तो द का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो द का उपयोग मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अखबार लिख लेता हूँ, जो भी आप अखबार से मैगजीन जो भी लिख लीजिएगा, अखबार के सामने आप या जब भी अखबार को यूज़ करेंगे तो द का उपयोग करेंगे। अखबार के साथ आपका जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ आप द का उपयोग करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या क्या हो जाएगा आपका, वाद्य यंत्र है ना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ आप द का उपयोग करोगे, ठीक है। दिशा के साथ, दिशा मतलब हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में इसको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, दिशा, दिशा मतलब होता है डायरेक्शन, तो आप उसके साथ द का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। द का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, अर्थ है, मून है, किसी भी प्लैनेट है उसके साथ हम द का उपयोग करेंगे, किसी भी धार्मिक पुस्तक जैसे गीता है, रामायण हो गया, इस पर हम क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे, ठीक है। कोई भी पर्वत है उस पर हम द का उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए एवरेस्ट किसी पर्वत का नाम नहीं है, जबकि पर्वत का नाम तो हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय है, तो यहाँ पे किसी पर्वत की चोटियों के नाम के आगे भी हम द का उपयोग नहीं करेंगे, ना इसमें आ आएगा ना तो एन आएगा, ठीक है, इसमें ना तो आ आएगा ना ही एन आएगा, तो नन ऑफ दी अबव। तो द का उपयोग हमने देख लिया कहाँ कहाँ पर करना है,
ठीक है, इसमें किसी भी चोटी के साथ आपको द का उपयोग नहीं करना है। और कोई भी आविष्कार है जैसे टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब आविष्कार है, तो यहाँ भी आपको द का उपयोग करना है। ठीक है, यहाँ जैसे कोई क्रम हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, और जितने भी अंग के नाम है, द हैंड, द आईज, ठीक है, और जितने भी बैटल हो गए, जितने भी ऐतिहासिक इमारत है, उस पर हम पूरे द का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद जो राजनीतिक पार्टी हैं, द्वीप वगैरह हो गया, सार्वजनिक स्थल हो गया, सरकार की जो शाखाएं हो गई, नेवी, ज्यूडिशरी, पुलिस, इस प्रकार के में हम द का उपयोग करेंगे। चूज द सेंटेंस इन विच ऑफ द यूज ऑफ और ओमिशंस ऑफ आर्टिकल इज नॉट करेक्ट, मतलब ऐसा कोई नीचे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, उसमें से आर्टिकल कहाँ गलत है या फिर जहाँ करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल क्या गलत है, आई हैव वर्क हार्ड ऑल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। द नर्स स्टे अप ऑल द नाइट, यहाँ द है लेकिन ठीक है ना, द नर्स स्टेड अप ऑल नाइट विथ द पेशेंट, मतलब यहाँ स्पेशल है, पेशेंट के साथ स्पेशल है, क्यों, क्योंकि नर्स उसके साथ रात भर उसकी सेवा में लगी थी। ठीक है, इट हैज़ बिन रैंकिंग ऑल द मॉर्निंग, यहाँ भी कोई हमको आर्टिकल नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है लेकिन ये बिल्कुल सही है। I go to work by the bus, जबकि ये by the bus नहीं होगा, only only by bus होगा। I go to work by bus है ना, द नहीं आएगा क्योंकि हम स्पेशल बात कर ही नहीं रहे हैं। अगर स्पेशल बोलता कि वो वाला बस जो रात में आया था नहीं आया था, मतलब बस में कोई स्पेशल बात रहती, तब हम द का उपयोग करते, क्योंकि यहाँ स्पेशल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, यही इसकी गलती है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फिल इन द ब्लैंक्स, एप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए आपको आर्टिकल द कहाँ कहाँ उपयोग नहीं करना है ये भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ कहाँ उपयोग करना है, अब कहाँ कहाँ नहीं करना है इसको भी देखना। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो गया, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है, यहाँ आपको द का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, किसी भी भाषाओं के बारे में, किसी भी भाषाओं के बारे में आपको, या फिर किसी भी भाषाओं के पहले, जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, इस प्रकार की कुछ भाषाएं होगा, वहां भी आपको द का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अब यदि भाषा की बात करें तो आई स्पीक इंग्लिश ये आप बोलोगे, लेकिन यदि द का उपयोग करना हो तब कैसे लिखो, आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, तब आप द का उपयोग करोगे। यदि लैंग्वेज शब्द आस लास्ट में जुड़ा है तब आप भाषा के सामने द का उपयोग करोगे, अन्यथा द का उपयोग उसमें नहीं होगा। किसी भी खेलों के नाम के सामने द का उपयोग नहीं होगा, यहाँ क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो आर्टिकल, क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी है ना, इस प्रकार में द का उपयोग आपका नहीं होगा। ठीक है, जो भी ऋतुओं के नाम है, विंटर हो गया, और जो सर्दी गर्मी जो भी है, किसी भी त्यौहार, होली, दिवाली, कोई भी बीमारी हो गया, कैंसर वगैरह, इस पर भी आपको द का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंसर्ट अ सूटेबल आर्टिकल इन द ब्लैंक टू द कंप्लीट द फॉलोइंग, कहने का मतलब इसमें आपको आर्टिकल लगाना है। वी हैड डिनर इन स्पेस मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वी हैड डिनर इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, द मोस्ट, या देखिए मोस्ट क्या बता रहा है, आपका सुपरलेटिव को बता रहा है, अभी मैंने चर्चा किया था, तो यहाँ पे द लग जाएगा। ओनली स्पेस न्यूटन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओनली अ न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओनली अ न्यूटन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, देयर आर मैनी लार्ज शॉप्स इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ठीक है, अब मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन देखा था, चौथे पांचवें नंबर, उसमें बताया था किसी भी स्ट्रीट के सामने आपको ए एन द का उपयोग नहीं करना है, आर्टिकल नहीं लगाना है, केवल इसी में आर्टिकल नहीं लगा, यही सही है। ठीक है, बाकी में यहाँ पे ए लग गया, एन लग गया, द लग गया, तो ये तीनों के तीनों गलत हो गए। स्पेस रिच शुड बी मर्सीफुल,
रिच शुड बी मर्सीफुल, तो यहाँ पे आ जाएगा द रिच आ जाएगा, द रिच शुड बी मर्सीफुल, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है तो वह प्लूरल बन जाता है, मतलब अमीरों को मर्सीफुल मतलब दयावान होनी चाहिए। यदि हमने यहाँ द लगा दिया मतलब ये बहुवचन बन गया, तो ये द रिच शुड बी मर्सीफुल इसका हिंदी मीनिंग होगा हो जाएगा अमीरों को दयावान होनी चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा द, ऑप्शन नंबर बी। इट इज क्वाइट अ स्ट्रगल टू मेक स्पेस ऑनेस्ट लिविंग, ठीक है, ऑनेस्ट लिविंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑनेस्ट। देखिए यहाँ एस स्टार्ट है लेकिन ये ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट इस प्रकार से, क्योंकि ये आपका कौन सा साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड, तो वॉवेल के पहले आ जाएगा आपका एन, वॉवेल के पहले क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। देयर इज ग्रोइंग नीड्स फॉर क्वालिफाइड टीचर फॉर बिजनेस इंग्लिश, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अ ग्रोइंग, क्या हो जाएगा, अ ग्रोइंग लग जाएगा इसमें। अ बुक ऑन द टेबल इज इंटरेस्टिंग, अ बुक आएगा, द बुक आएगा, एन या फिर नन, ठीक है, तो इसमें देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा क्या है। बुक ऑन द टेबल, जो टेबल पर बुक रखी है वो इंटरेस्टिंग है, मतलब उस बुक के बारे में स्पेशल बता रहे। देखिए बुक तो है लेकिन कैसा बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, स्पेशल केस आ गया ना, तो स्पेशल केस में आपको द लिखना है, द बुक ऑन द टेबल इज इंटरेस्टिंग। माय यंगर ब्रदर हु इज इन क्लास टू इज इन स्पेस स्कूल नाउ, ठीक है, स्कूल नाउ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ कोई भी आपको आर्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। माय यंगर ब्रदर हु इज इन स्कूल टू इन इज इन स्कूल नाउ, ठीक है। सेंटेंस आपको दिया गया यहाँ पे, स्पेस क्लाउड्स ओवर द सी आर लवली टुडे, लवली टुडे, तो आ जाएगा द क्लाउड ओवर द की, हर ऊपर देखिए इस पृथ्वी के मतलब इस पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जितने भी चीज़ हम देखते हैं उनको क्लाउड ही कहते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल क्लाउड की बात कर रहा है कि वैसा क्लाउड जो सी के ऊपर है अच्छा दिख रहा है आज, या फिर आज लवली दिख रहा है ऐसा है, ठीक है, तो ये स्पेशल केस की बात हो रही है। जैसे ही स्पेशल आ जाएगा तो इसमें द आ जाएगा, द क्लाउड ओवर द सी आर लवली टूडे। आपको एरर बताना है कि एरर कहाँ पे है। आई एम अ फैन ऑफ द माइकल जैक्सन, इसमें एरर होगा तो वन में एरर है तो वन को टिक कीजिए, दो में एरर है तो दो को टिक कीजिए, तीन को है तो तीन में एरर को आपको टिक करना है, ठीक है। आपको एरर कहीं पे दिख रहा है क्या, एरर हमको दिख रहा है तीन नंबर में, द माइकल जैक्सन, आई एम फैन ऑफ द माइकल जैक्सन। यहाँ पे द के देखिए माइकल जैक्सन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ किसी कोई माइकल जैक्सन की किसी भी प्रकार की कोई भी क्वालिटी नहीं बताई जा रही, कोई भी उपलब्धि यहाँ पे नहीं गिनवाया जा रहा है, इसके हिसाब से यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये तीन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए। जैपनीज इज स्पेस डिफिकल्ट लैंग्वेज, जैपनीज इज स्पेस डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ठीक है, जैपनीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। टुडे इज स्पेस फोर्थ डे ऑफ आवर सेमिनार, टुडे इज द फोर्थ, देखिए मैंने बताया था ना फर्स्ट सेकंड थर्ड यदि क्रम और होगा तब भी आपको द का उपयोग करना है, तो ये हो जाएगा आपका द फोर्थ। यहाँ भी आपको क्या लगाना है, यहाँ भी आपको द लगाना है क्योंकि यहाँ पे फोर्थ लिखा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा जब भी आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको क्या लगाना है, द फोर्थ चैप्टर इज ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। अगला प्रश्न, दिस इज द मोर रिडिकुलस देन आई हैव एवर हर्ड, नो एरर, इसमें से एरर है कि नहीं आपको ये बताना है, तो इसमें एरर क्या है, दिस इज द मोर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके सामने आपको द लगाना है, ना कि मोर के पहले, हम मोस्ट होता तब हम द लगाते, यहाँ पे द नहीं आएगा, एक वाला पार्ट गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अप्रोप्रिएट क्या लिखा गया है, ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द ट्रूथ, ये तो फेमस वाक्य है सबको पता ही होगा,
ऑनेस्ट मैन, देखिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन दो बार लग गया ऐसा लग रहा है ना, ये क्वेश्चन दो बार लग गया है तो इसमें भी द आएगा। ही इज, ठीक है क्या आ जाएगा, ही इज स्पेस ऑनर टू द प्रोफेशन, एन ऑनर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, एन ऑनर आ जाएगा, वॉवल का यहाँ पे सॉरी, ठीक है वॉवल का साउंड है इसमें। द स्पीड ऑफ द बाइक वॉज 40 किलोमीटर पर एन आर होगा, नॉटिकल होगा या फिर द आर होगा, ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉटिकल पर आर, है ना, यहाँ पे पर आर हो जाएगा, यहाँ पे नो आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है इसलिए। स्पेस एबल मैन डज नॉट ऑलवेज हैव अ डिस्टिंग्विश्ड लुक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एन, एन एम ये है ना, तो एन लग जाएगा। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, इसमें उत्तर क्या आ जाएगा ना, इसमें आ जाएगा आपका नो आर्टिकल, क्योंकि यहाँ कुछ भी आपको बताया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी बात, यदि इसमें वाटर के बारे में कोई स्पेशल बात कही गई होती है ना, वैसे तो स्पेशल बात है, रिसोर्स है, लेकिन और कुछ स्पेशल बात कही होती तब हम वहाँ पे द आर्टिकल लगा सकते थे। अलादीन हैड स्पेस वंडरफुल लैम्प, अलादीन हैड अ हैड स्पेस वंडरफुल लैम्प, अलादीन हैड अ आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई साउंड वॉवेल का है नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लग जाएगा। फाइंड द, सॉरी आई विल सी यू एट एन लाइब्रेरी, नो एरर, ठीक है ना, इसमें एरर है कि नहीं ये आपको बताना है। तो एरर आपको दिख रहा है नंबर थ्री में, एन लाइब्रेरी, ये एन क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई वॉवल साउंड तो है नहीं, तो एन क्या कर रहा है, ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। आई बॉट एन ऑरेंज, ऑरेंज इज स्वीट, ठीक है, आई बॉट एन ऑरेंज एंड ऑरेंज इज स्वीट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई लोग लगाएंगे एन क्योंकि ओ को देख के, लेकिन देखिए यहाँ पे पूरा मीनिंग को पढ़िए, द आई बॉट एन ऑरेंज, मैंने ऑरेंज खरीदा, द ऑरेंज इज स्वीट, और वो ऑरेंज कैसा है, मीठा है, तो यहाँ पे द लग जाएगा। सीमा हैज स्पेस आंट इन इटली, ठीक है, सीमा हैज स्पेस आंट इन इटली, एन आंट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन आंट। यू स्पीक द ट्रूथ, ये तो जाना माना लाइन है, आपको याद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइस इज स्पेस फ्रोजन वाटर, आइस इज स्पेस, इसमें कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, आइस इज स्पेस इज फ्रोजन वाटर। देखिए यहाँ पे द क्यों लगा है, क्योंकि आइस फ्रोजन वाटर है, ये नॉर्मली बात है, हाँ अगर बोलते हैं आइस इज हॉट तब हम द लगाते हैं। दूसरी बात, वाटर क्या चीज है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। लेट्स अस प्ले, लेट्स अस प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट, अ गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है यहाँ पे क्या लग जाएगा, अ गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है। देखिए यहाँ गेम लिखा है इसलिए हम आ लगा रहे हैं, लेकिन यदि केवल और केवल क्रिकेट लिखा जाता तब आ की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये हो जाएगा अ गेम, या फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा है किसी भी गेम, किसी भी खेल के नाम के लिए अ नहीं आता है, अ जो है नहीं आता है, और यहाँ पे लगा है ऑफ, ऑफ के पहले जो भी आर्टिकल होगा वो किसके लिए रहता है, यहाँ पे नाउन के लिए रहता है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे नन ऑफ दी अबव होना चाहिए, बाकी आप हम मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज ये हमने देखा आर्टिकल को, आर्टिकल आज पूरा समाप्त हो गया है, अभी तक इतना ही क्वेश्चन आया था आर्टिकल का, इसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन में ऑल को प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें लगता है ऑल नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वीडियो, कोई भी वीडियो अगर आपको डाला जाता है हमारे चैनल के द्वारा तो वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और यदि आप पर्सनलाइज कर देते हैं तो जो वीडियो आपको पसंद आया होगा उसी का आपको लिंक या फिर उसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो अच्छा होगा यदि पसंद आ रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।